पहले मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण क्या है, पूर्णांक क्या है, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। आज हम आपको बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसे रियल नंबर कहा जाता है। जिस संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिस संख्या का, किसी भी संख्या का वर्ग यदि धनात्मक हो तो वह वास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि 2 पर पावर कितने हैं, 2 है, यानी 2 को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 2 गुना 2 कितना, 4। 3 का वर्ग कितना होगा, तो यहां 3 कितनी बार है, 2 बार है, 3 गुना 3 यानी 9। तो आप देखोगे यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में है। आप सोचोगे सर कि -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप देख लो -1 × -1 ये भी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 0 का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहां पर आपको यह बात हमेशा याद रखना होगा कि हमने इससे पहले पिछली कक्षा में बताया था कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यानी 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो ना धनात्मक होगी और ना ही ऋणात्मक होगी। चलिए कुछ और उदाहरण से हम क्लियर करते हैं कि -1/2 का होल स्क्वायर यानी -1/2 और -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 का 1 से गुना 1 और 2 का 2 से गुना करते हैं तो 4, यह भी एक धनात्मक संख्या है। -3/7 का होल स्क्वायर यानी यह -3/7 कितनी बार है, 2 बार है, -3/7 गुना -3/7 माइनस माइनस प्लस, 3 का 3 से गुना करो आप 9 और 7 को 7 से गुना करते हैं तो 49, यानी ये सारी संख्याएं धनात्मक हो रही है। तो इसका यह मतलब है कि यह दोनों ही संख्याएं एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। पहला परिमेय संख्या, जिसे आप रेशनल नंबर कहते हो, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q यहां आप निश्चित समझोगे कि अंश बटे हर, P को अंश और Q को हर आप समझना, कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहां निश्चित तौर पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q केवल 0 के बराबर नहीं है, बाकी आप कोई संख्या ले सकते हो, जैसे 3/5, 7/9, -1/4, 0/2, 0/4, 7/1 etc। अब यहां एक ध्यान देने वाला बात यह है बाबू कि हमने यहां लिखा कि Q जो है ना, Q 0 के बराबर ना हो। सबसे पहले आप P और Q में एक चीज जान लो कि P को हम लोग अंश कहते हैं, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। और हमने यह भी कहा कि केवल जो है ना, Q जो है ना, यह 0 ना हो। क्यों? क्योंकि आप यदि इसको ऐसे समझो कि नीचे मैं 0 ले लूं, जैसे 5/0, तो यह अनडिफाइंड है, यानी 5/0 का मान अनडिफाइंड है, समझ गए। और ऐसा भी कहा जाता है कि 0/0 भी अनडिफाइंड है, यानी आप इसको इन्फिनिटिव समझो कि दोनों का ही मान अनडिफाइंड है। इसलिए ऐसा नियम के तहत कहा गया है कि यहां Q जो है ना, 0 के बराबर नहीं है। जिस संख्या को P/Q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है वही परिमेय संख्या है, नहीं तो वह परिमेय संख्या नहीं है। यदि आपसे कहे कि क्या 7 एक परिमेय संख्या है, तो 7 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह केवल है ना एक में है। यदि बटे एक दे दिया जाए और आपसे कहे कि क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे सर निश्चित तौर पर यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए जरूरी है कि वह अंश बटे हर में अर्थात P/Q के रूप में हो। अब इसके दूसरे प्रकार में चलते हैं, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसे आप अंश बटे हर के रूप में अर्थात P/Q के रूप में नहीं लिख सको तो वह अपरिमेय संख्या होगी। आप इसमें ध्यान देना कि यह संख्या जो होती है वह अनावर्त यानी बिना आवर्त की होती है और साथ ही अशांत होती है। जैसे कुछ उदाहरण को देखा जाए कि
कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, ये सारी संख्याएं जो है ना यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसके बाद का एक संख्या मैंने नहीं लिखा, यानी रूट फोर जो है, आपने पढ़ा होगा रूट फोर की वर्गमूल क्या होती है, दो होती है। कैसे बच्चों, तो आप देखो चार को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, टू इंटू टू, और इसमें से एक संख्या निकल जाएगी, यानी दो में से एक संख्या यदि निकाल लिया जाए तो रूट क्या होती है, वो हट जाती है। तो रूट चार का वर्गमूल दो, इसी तरह आगे भी रूट नाइन लिया जाए तो इसका भी तीन होता है, और जिसे हम तीन बटे एक या दो बटे एक यानी परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन ये सारी संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात हम इसे जो है ना तोड़ नहीं सकते, और यदि तोड़ा भी जाए तो इसमें आवर्त नहीं होगी। जैसे आप देखो कि 3.33 डॉट डॉट, आप इसे लिखोगे 3.3 पर रेकरिंग, यानी ये आसान तो है लेकिन मैंने इसमें क्या किया, आवर्त बिठा दिया। लेकिन आप कुछ संख्या और देखो कि 0.10, 100, 1000, 140, इसी तरह आगे भी ये संख्या जो है ना अनंत तक इसी तरह चलती रहेंगी, इसलिए आप इसे कहोगे यह एक अपरिमेय संख्या है। या आप कोई और संख्या लो, 7 2 7 2 7 3 2 7 4 2 7, इसी तरह आगे भी, यानी ये सारी संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसपे हम लोग आवर्त नहीं दे सकते, यानी ऐसी संख्याएं अनावर्ती होती है यानी बिना आवर्त की होती है, इसलिए ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि पाई क्या है, आप कहोगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि पाई का मान दिया रहे, यह एक परिमेय संख्या होगी, जिसे मैं फिर इसके बाद जो मैं आपको बेहतर ढंग से समझा देता हूं कि पाई क्या है, क्यों इस तरह अपरिमेय है, या इसके मान क्यों परिमेय है। पाई का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने 5वीं शताब्दी में की थी, इन्होंने ही इसके मान को निर्धारित किया था जो आज भी मान्यता प्राप्त है। यदि पाई के बारे में आप जानना चाहते हो तो मैं आपको यही कह दूं कि पाई के मान को कंप्यूटर ने भी नहीं तोड़ सका। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनके लिए बहुत बहुत सारे शोध किए, इन्हें बहुत सारे है ना इन्हें तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन पाई तो नहीं टूटे लेकिन उनकी जीवन रेखा टूट गई, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक की जीवन खत्म हो गई लेकिन पाई का मान खत्म नहीं हुआ। इसलिए पाई के मान को कुछ अंकों तो निर्धारित किया गया कि जो आप पढ़ते हो, यदि मैं कहूँ आपको कि 22/7 का मान जो आप पढ़ते हो 3.1425 ये सही नहीं है, तो शायद आप विश्वास नहीं करो कि पाई के मान बाईस बटे सात होता है या 3.14285 होता है। लेकिन मैंने इससे पहले बोला पाई का मान तो टूटता नहीं, लेकिन यदि आप 22/7 को कहीं भाग दो तो इस पे आवर्त आता है, यानी यह इसकी वास्तविक मान नहीं है, बस थोड़े अंतरों के लेके इसे ऐसा निर्धारित किया गया और यहीं तक इसे रोक दिया गया। यदि इसके वास्तविक मान देखें तो पाई के वास्तविक मान जो है वो 3.14159 थी, यदि इसके वास्तविक मान को देखा जाए तो यही थी, लेकिन थोड़े से के अंतर के लिए इसे इतना कर दिया गया और यहीं तक से छोड़ दिया गया। और यदि यदि पाई के बारे में यदि यह जानो तो यह जान लो कि पाई का आविष्कार हुई क्यों थी, तो बहुत समय पहले जब पहिया का आविष्कार नहीं हुआ था और लोग पहिया बनाने की कोशिश करने लगे तो पूरी तरह गोल नहीं हो पाती थी, पहिया इस प्रकार बना करते थे टेढ़ा मेढ़ा इस तरह, और इस पे जो है ना किसी सामान को लाना जाना में बहुत कठिनाई पूर्ण होती थी, यानी यह हिचकोले लेता था इस तरह। यदि आपके टायर में कभी गिट्टी आ जाए तो आप देखोगे टायर इस तरह हिचकोले मारती है, ठीक इसी प्रकार यह भी होने लगी। लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने और अपने आप में कुछ और डेवलप किया, तो इन्होंने पाया कि यदि
हमें पूरा गोल पहिया बनाना है तो इसके व्यास को 7 यूनिट रखा जाएगा, और यदि इसकी पूरी परिधि को 22 यूनिट का किया जाए तो पहिया पूर्णतया गोल होगा। यदि किसी वृत्त के व्यास को 7 यूनिट कर दिया जाए और इसकी परिधि को 22 कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह पहिया जो होगी ना वो पूरी तरह से गोल होगी, या आपका वृत्त क्या होगा, गोल होगा। पाई एक वृत्त की परिधि का उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है, यानी पाई एक वृत्त की परिधि का उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है, अर्थात परिधि बटे व्यास बराबर पाई होगी। इस परिभाषा से हमने यह समझा कि परिधि बटे व्यास पाई होगी। अब इसे आप इस प्रकार समझो कि परिधि बटे व्यास, हम आप जान रहे होंगे कि व्यास 2 त्रिज्याओं के बराबर होती है। यदि यहाँ केंद्र मान लिया जाए तो यह व्यास जो होती है यह 1 त्रिज्या और 1 त्रिज्या, यानी 2 त्रिज्याओं के बराबर एक व्यास होता है। व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, और यदि आपसे पूछे कि त्रिज्या व्यास की क्या होती है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यानी यदि 14 cm आपका व्यास हो तो 7-7 cm की दोनों त्रिज्याएं होंगी, यानी त्रिज्या 7 cm होगा। तो पाई एक वृत्त की परिधि का उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है, अर्थात परिधि बटे व्यास एक पाई होगी। इसके परिभाषा से ही स्पष्ट है कि परिधि बटे व्यास एक पाई होगी, अर्थात परिधि बटे 2r एक पाई होगी। परिधि बटे 2r क्या होगी, पाई होगी। और यदि इसलिए पाई को देखा जाए, सॉरी परिधि को देखा जाए कि परिधि बराबर 2r इंटू पाई 2πr, और यहीं से हमें एक सूत्र मिल जाता है। हमने कहा कि परिधि बटे व्यास पाई होगी, अर्थात परिधि बटे 2r यानी व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। परिधि बटे 2r बराबर पाई, अर्थात परिधि बराबर, यानी यहां कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, परिधि इंटू 1, परिधि बराबर 2r इंटू पाई 2πr, यानी वृत्त की परिधि यहीं से एक है ना सूत्र बन के आई, जो कि हम लोग को देखने को मिला कि 2πr। ऐसे पाई को यदि डिग्री में मान पूछे तो पाई के डिग्री में मान होता है 180 डिग्री। और इसके सूत्र में आपने एक शायरी भी सुना होगा कि ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार। ऐसे विद्यार्थी को भी कहा जाता है कि किसी से दोस्ती और प्यार से दूर रहना चाहिए, तभी आप पढ़ पाओगे। तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। ओके, थैंक यू।